रहे हैं एसके न्यूज। एसके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अनामिका, दिन भर के बड़ी खबरों के साथ। वैशाली जिला अंतर्गत महुआ थाना क्षेत्र के फुलार ग्राम में अपने सगे ससुर शिव नारायण राय और ससुर दीपक राय द्वारा अर्चना कुमारी को मारपीट कर और उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी। जब अर्चना कुमारी के परिजन को पता चला तो वह प्रीता के ससुराल पहुंचा और मीडिया कर्मी को बताया कि आज से 3 दिन पहले यह ससुराल आई थी और बताया कि उसकी लाश के पास दीपक राय का स्वेटर और वहां पर खाली शराब का बोतल भी मिला। इससे पीड़िता के परिवार में मातम छाया हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस महुआ थाना के प्रभारी ने बताया कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और अपराधी वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। राजेश मिश्रा के साथ उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। बोलिए, इस घटना के पर्पस पे ये बहुत निंदनीय घटना है। ये घटना का पूरा श्रेय सरकार को जाती है। ये कहते हैं शराबबंदी हो गई, शराब तो इतनी खुलेआम बिक रही है जिसका कोई सीमा नहीं है। ये जो आए दिन ऐसा घटना, ये आज एक बेटी की नहीं हुई है, ऐसे सैकड़ों बेटी प्रत्येक दिन अपने आप को न्योछावर करती है, क्योंकि शराब पी के ही इतनी क्राइम होती है। इस बच्ची को के साथ दुर्व्यवहार करके इसको जान से मार दिया गया है और ये शराब की वजह से ये ग्रुप कह सकते हैं ग्रुप रेप में परिवर्तन हो रही है, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बोलिए, हमें सुबह 7 बजे फ़ोन आया मेरी सिस्टर के मोबाइल से, दीपक राय ने फ़ोन किया कि वो मर गई है। उसके बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसको गला दबाकर हत्या की गई है। और किसके द्वारा हत्या की गई है? दीपक राय ने हत्या की है और उसके रूम से दीपक राय का जैकेट, स्वेटर और वाइन शराब का बोतल बरामद हुआ है। घटनास्थल पर महुआ पुलिस थाना ने वेरीफाई किया। एक धनराज राय की पत्नी को मार दिया गया, यानी हत्या कर दिया गया। इस पर पहुंची पुलिस, पहुंची तो उनके परिजन लोग वहां पहुंचे हुए हैं। वो बताए कि उनकी गर्दन दबा के हत्या की गई है और मेन आरोप है कि उनके भसुर जो हैं दीपक राय, कि उनके द्वारा ये घटना कायज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, अग्रतर कार्रवाई किया गया। थोड़ी सबकी स्थिति को वर्णन कर दीजिए, किस कंडीशन में? शव कमरे में बिस्तर पे चीत अवस्था में पड़ा हुआ है और ऊपर से कम्बल ढका हुआ है बदन पे। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। अर्धनग्न है? नहीं, कम्बल ऊपर से ढका हुआ है। नीचे पेटीकोट है, ब्लाउज है। तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा उसके साथ और आगे क्या हो पाया है।